हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था जिसका नाम था जम गेम टू। यहाँ ऐसा कहा गया था कि हमारे पास एक एरे है और इस एरे में हम जीरो सेल पे हैं और मुझे एन माइनस वन सेल पे पहुंचना है। तो एन माइनस वन सेल में पहुंचने में कितना मिनिमम स्टेप्स लगेंगे, कितना एफर्ट लगेगा, ये हमें पता करना था। आज इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि जम गेम है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि क्या हम एंड सेल पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। आपको केवल ये रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स के केस में। तो मैं काम करता हूँ कि जो ये जम गेम वाला था, मैं इसी के कोड को कॉपी करता हूँ और इसी में स्लाइड चेंज करूंगा और ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा जम गेम के। सो दिस इज दी प्रॉब्लम एंड आई विल जस्ट राइट माई कोड हियर एंड विल मेक सम चेंजेस। सो यहाँ पे एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नम्स नाम का एरे था, इसकी साइज हमने एन नाम के वेरिएबल में ले लिया। अगर एन की वैल्यू वन है, इसका मतलब कि हम टारगेट सेल, मैंने सोर्स सेल और टारगेट सेल सेम है, तो हम निश्चित रूप से टारगेट सेल पे पहुंच सकते हैं, इसलिए हमने टू रिटर्न कर दिया। इसके बाद हमने एक स्टेटस एरे लिया एन माइनस वन साइज का, क्यू ले लिया। क्यू में जीरो सेल को पुश कर दिया क्योंकि जीरो ही स्टार्टिंग सेल है। एक स्टेटस ले लिया जीरो का जो कि जीरो होगा, और वैसी बात है गेम हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो से जीरो पहुंचने में जीरो एफर्ट लगेगा। इसके बाद फिर जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक आप क्यू से एक सेल, एक वैल्यू को निकालिए। यहाँ से देख लीजिए कितने मूव्स किए जा सकते हैं एरे के इस इंडेक्स पे वैल्यू देखते हुए। वन ऑनवर्ड्स कितने मूव्स हम टोटल कर सकते हैं, मूव्स कर सकते हैं। तो आप नए इंडेक्स पे पहुंच के उसका स्टेटस देख लीजिए कि क्या वो पहले से मार्क्ड है या नहीं। अगर आप वहाँ पहले से नहीं पहुंचे हैं, मतलब कि स्टेटस माइनस वन है, तो आप स्टेटस ऑफ वाई अपडेट कर दीजिए प्रीवियस वाले से एक ज़्यादा। इसके बाद फिर आपने इस नई पॉसिबिलिटी को क्यू में इंक्लूड भी कर लिया है। अगर आप एन माइनस वन सेल में पहुंच गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको टू रिटर्न करना है। इसका मतलब कि इट वॉज पॉसिबल टू रीच फ्रॉम दी सोर्स टू दी टारगेट। अगर मान लीजिए कि क्यू एम्प्टी हो जाए और आप कभी भी टारगेट सेल में ना पहुंच पाए, तो उस केस में लास्ट में आप फॉल्स रिटर्न कर दीजिएगा। ये हम सोच सकते हैं कि किस तरह से ऐसे पॉसिबल है कि लास्ट सेल पे हम ना पहुंच पाए। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम समझने के लिए। लेट से मेरे पास ये एरे है और इसमें कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं। लेट से यहाँ पे लिखा गया है टू और यहाँ लिखा गया है वन, और लेट से यहाँ लिखा गया है जीरो, यहाँ लिखा गया है टू और यहाँ लिखा गया है टू। ये जीरो इंडेक्स है, वन इंडेक्स है, टू इंडेक्स है, थ्री है और फोर है। लेट से हमने जीरो इंडेक्स से गेम स्टार्ट किया, तो वन स्टेप से आप वन सेल में पहुंचे, टू स्टेप से आप टू सेल में पहुंचे। मान लीजिए आप वन वन पे हैं, वन वो आप वन से आप स्टेप्स आगे जा रहे हैं, क्योंकि इस सेल में वन लिखा गया, इसलिए इसका मतलब है कि आप केवल टू ही जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। नाउ अब हमारे पास केवल टू सेल है जो कि क्यू में है। जब आप टू को डिलीट करेंगे तो इस सेल के अंदर लिखा गया है जीरो वैल्यू। जीरो लिखने का मतलब क्या है कि आप इससे कोई भी मूव्स नहीं ले सकते, जीरो स्टेप्स आप ले सकते हैं इससे। इसका मतलब आप आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। चूंकि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसका मतलब कि आप कभी भी एंड सेल मतलब फोर पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो अगर ऐसा केस है तो उस केस में लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसका मतलब है कि लास्ट सेल में पहुंचना पॉसिबल नहीं था। आइए इसको रन करके देखते हैं। यू कैन सी दैट द सैंपल टेस्ट केसेस हैव गॉट पास्ड। एंड सिमिलरली ऑल अदर टेस्ट केसेस हैव आल्सो गॉट पास्ड। द सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। वी विल मीट अगेन विद सिमिलर क्वेश्चंस।